राजा शतानिक ने कहा, हे मुनि, आपने मुझे जात कर्म आदि संस्कारों के विषय में बताया, अब आप इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म बतलाने की कृपा करें। तो समन्तु मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्तनयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीज संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेद अध्ययन, व्रत, होम, त्रिविध व्रत, देव ऋषि, पितृ तर्पण, पुत्र उत्पादन, पंच महायज्ञ और ज्योतिष टोम आदि यज्ञों के द्वारा ये श्री ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारों की विधि को आप संक्षेप में सुनिए। पुरुष का जातकर्म संस्कार नाल छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालक को स्वर्ण, मधु और घृत का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन तथा 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा, क्षत्रिय के बलवाचक जैसे इंद्र वर्मा, वैश्य का धनयुक्त जैसे धनवर्धन और शूद्र का भी यथाविधि देवदास आदि नाम रखने चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट ना हो, क्रूर ना हो, अर्थ स्पष्ट हो और अच्छा हो, जिसके सुनने से मन प्रसन्न हो तथा मंगल सूचक एवं आशीर्वाद युक्त हो, जिसके अंत में अकार, इकार आदि दीर्घ स्वर ना हो, जैसे यशोदा देवी आदि। जन्म से 12वें दिन अथवा 4th मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए, इसे निष्क्रमण कहते हैं। 6ठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना, पहले या 3रे वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करें। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री अर्थात सावित्री के अधिकारी होते हैं। इसके अनंतर यथा समय संस्कार ना होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते और वे व्रात्य कहलाते हैं। फिर जब तक व्रात्य स्तोम नामक यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती, तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। त्रैवर्णिक ब्रह्मचारियों को उत्तरीय के रूप में क्रमशः कृष्ण अर्थात कस्तूरी मृग चरम, रूरु नामक मृग का चरम और बकरे का चरम धारण करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः सन अर्थात दाट, अलसी और भेड़ के ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ी वाली सुंदर चिकनी मूंज की, क्षत्रिय के लिए मुरा की और वैश्य के लिए सन की मेखला कही जाती है। मूंज आदि के प्राप्त न होने पर क्रमशः कुशा, अश्मंतक और बलवज नामक तृण की मेखला को 3 लड़ी वाली करके 1, 3 अथवा 5 ग्रंथियां उसमें लगानी चाहिए। ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय सन के सूत का और वैश्य भेड़ के ऊन का यज्ञोपवीत धारण करें। ब्राह्मण बिल्व, पलाश या प्लक्ष का दंड जो सिर पर्यंत हो उसे धारण करें। क्षत्रिय बड़, खादर या बैंत के काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पीलू वृक्ष की लकड़ी, गुलर अथवा पीपल के काष्ठ का दंड नासका पर्यंत ऊंचा धारण करें। ये दंड सीधे, छिद्र रहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करें और गुरु की पूजा करें तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता, बहन या मौसी से भिक्षा मांगें। भिक्षा मांगते समय उपनीत ब्राह्मण बटु भिक्षा देने वाले से भवती
भिक्षाम में देही, क्षत्रिय भिक्षाम भवति में देही तथा वैश्य भिक्षाम देही में भवति। इस प्रकार से भवति शब्द का प्रयोग करें। भिक्षा में वे स्वर्ण चांदी अथवा अन्न ब्रह्मचारी को दें। इस प्रकार भिक्षा ग्रहण करके ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दे और गुरु की आज्ञा पाकर पूर्व की ओर मुख करके आचमन करके भोजन करे। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख करने से यश, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करके भोजन करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है। एकाग्रचित होकर उत्तम अन्न का भोजन करके अनंतर आचमन करके अंगों अर्थात आँख कान नाक का जल से स्पर्श करें। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन कर संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है और निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। इसलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। जूठा किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण नहीं करें अथवा बार बार छोड़कर भोजन नहीं करें। एक बार बैठकर तृप्तिपूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं जैसे धनवर्धन वैश्य के हुए थे। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए, उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिमाण हुआ? तो सुमंत मुनि ने कहा, राजन सतयुग की बात है, पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्यान्ह के समय वैश्य देव कर्म संपन्न करके अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई। उसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है जिससे जुकाम, मंदग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है, अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है।